आई होप आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में बदल देता है। और आपको ये भी पता है जब डिवाइस का रेजिस्टेंस गिवन हो तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोचो कि हमारे पास दो बल्ब्स हैं, एक 1 ओम रेजिस्टेंस का और दूसरा 10 ओम रेजिस्टेंस का, और दोनों 200 जूल्स की हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा तो क्या आप इस इन्फॉर्मेशन से ये गेस कर पाएंगे? अगर आप हीट के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों केसेस में वो सेम है। और क्योंकि बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि क्योंकि बल्ब सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लाइट भी सेम अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। राइट? नो, रॉन्ग। ये एक फेयर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। हम ये प्रूव करेंगे। एक डिवाइस में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो H = I²RT से दी जाती है। तो पहला बल्ब 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो 20 सेकेंड्स के लिए ऑपरेट करता है। हमें बल्ब से प्रोड्यूस किया हुआ हीट इससे मिलेगा, जो 200 जूल मिलता है। और सेकेंड बल्ब 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, उसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है और वो 2 सेकेंड्स के लिए काम करता है और वो 200 जूल की हीट भी प्रोड्यूस करेगा। दोनों बल्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी बल्ब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ये जानने से कुछ नहीं होगा। हमें ये भी जानना होगा कि हीट कितनी जल्दी प्रोड्यूस हो रही है, या दूसरे शब्दों में हमें ये जानना जरूरी है कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। एक डिवाइस पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, और इसे हम P = E/T से निकाल सकते हैं, जिसे हम I²RT/T यानी I²R भी लिख सकते हैं। दैट इज I into IR, और ओम्स लॉ अप्लाई करने पर हमें P = VI मिलता है। तो इलेक्ट्रिक पावर को VI या फिर I²R से समझा सकते हैं। अगर हम ओम्स लॉ को इस फॉर्मूला पे अप्लाई करें तो हम I को V/R से रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमें P = V²R देगा। तो यहाँ पावर के 3 रिलेशंस हैं। P = VI = I²R = V²R। हम पावर की ऐसा यूनिट को ढूंढने के लिए रिलेशन P = VI को यूज कर सकते हैं, और वो होगा volt into ampere, जिसे हम वॉट कहते हैं। इसके बाद से हम वॉट को यूनिट ऑफ पावर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आपने शायद वॉट के बारे में पहले सुना होगा। बल्ब्स को यूजुअली वॉट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि 10 वॉट बल्ब या फिर 20 वॉट बल्ब। हम वॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करके, जो है P = E/T, और इसे वॉट को जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो एक 100 वॉट का डिवाइस 1 सेकंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। जितनी ज्यादा डिवाइस की पावर होगी उतनी ज्यादा उसका एनर्जी कंजप्शन पर सेकंड होगा। चलो इसे पहले दिखाए गए प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। पहला बल्ब 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो उसका पावर 10 वॉट है। और दूसरा बल्ब 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, उसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो उसका पावर 100 वॉट है। अब क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है? यस, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से वो ब्राइटर ग्लो करता है। इस एग्जांपल में हमने कंसीडर किया कि बल्ब जिसकी ज्यादा पावर है उसका लोअर रेजिस्टेंस है। ये हमें बताता है कि जब पावर बढ़ती है तब रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रुको, इस फॉर्मूला को देख के ये लगता है कि पावर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, राइट? सारे फॉर्मूला से सेम आंसर मिलना चाहिए, है ना? तो हमारे केस में P = inversely proportional to R है, और वोल्टेज को कांस्टेंट होना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्लूड करें तो उसे कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। अब दूसरे फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं। अगर हमें पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को यूज करना है तो कांस्टेंट क्या होगा? यस, करंट को कांस्टेंट होना होगा। तो प्लीज केयरफुल रहें जब आप एक रिलेशन चूज कर रहे हैं। कंसिडर करें कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सा नहीं है। रॉन्ग रिलेशन चूज करने से आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो अब हमने जो भी सीखा है उसको समराइज कर लेते हैं।
पहले हमने देखा कि अगर हम दो डिवाइसेस को कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी पर यूनिट टाइम को देखना चाहिए, ना कि डायरेक्टली एनर्जी को। फिर हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है डिवाइस का रेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजप्शन और उसका SI यूनिट वॉट है। हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R से दिया जाता है। और हमने देखा कि कैसे इन रिलेशंस को यूज किया जाता है रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए अगर हमें पावर दिया गया हो तो। और लास्टली हमने सीखा कि प्रोपोर्शनैलिटीज ड्रॉ करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।